अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यूएस टैक्स फॉर्म जो है वो कैसे फिल करेंगे अपने एडसन अकाउंट में। तो उसके लिए आपको स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करके अपना एडसन का जो ईमेल है और पासवर्ड है उसको इंटर करना है। ईमेल और पासवर्ड को इंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आपने जो है वो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आर यू ए सिटीजन आर रेजिडेंट ऑफ यूएस स्टेट, जिसको भी हम नो करेंगे उसको नो करेंगे। ये जो नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे इसमें आपको पहले पे क्लिक कर लेना है, W8BEN जो है इस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो अगला पेज देखेगा अपना नाम लिखेंगे आपको अपना वही नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे है। इसके बाद अपना कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है वो आपको इधर अपना फॉरेन TIN जो है इस पर अपना आईडी कार्ड नंबर जो है जो आप आईडी कार्ड जो आपने एडसन में दिया आईडी कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन जो दी है सेम वही आईडी कार्ड आपको इसमें इंटर करना है। ये मैं अपना आईडी कार्ड लिख लेता हूँ, आप भी अपना आईडी कार्ड ही लिखने का, ये नंबर नहीं लिख देना। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपना आईडी कार्ड नंबर जिस आईडी कार्ड से आपको अपना एडसन में आप वेरिफिकेशन करेंगे वही आईडी कार्ड लिख के इसमें आपको नेक्स्ट कर देना। तो ये आप उसके बाद देख लेना एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको जो आईडी कार्ड के ऊपर आप कह दी होगी आईडी कार्ड के ऊपर जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसको आपने फिल कर लेना पूरा। उसके बाद एड्रेस जो है वो पूरा जो लिखा हुआ है आपने एड्रेस दिया हुआ है एडसन में वही एड्रेस आपने पूरा इसमें लिख देना है। मैंने ये एड्रेस पहले ही लिखा हुआ है तो इसलिए मेरा ये एड्रेस ऑटोमेटिकली पूरा जो है वो इसमें आ गया। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए एक बार एड्रेस अपना चेक कर लीजिएगा दोबारा कि शायद एड्रेस में कुछ गलती ना हो जाए, तो एड्रेस बिल्कुल सेम लिखना है तो ताकि कोई मिस्टेक इसमें ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अपना पोस्टल कोड भी सही करके चेक कर लेने का, आपका जो पोस्टल कोड है आपके मतलब का पोस्टल कोड जो होगा वही आपने लिखना है इसमें। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म नज़र आएगा तो ये आप देखिएगा। उसके बाद जो अपना जो है ये अगला ऑप्शन जो आपका मिलेगा टैक्स ट्रीटी का, तो हम इस पर ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें इसमें क्या उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस पर हम यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रेजिडेंट आप रेजिडेंट पे क्लिक करके अपने कंट्री को सिलेक्ट कर देना है, आपका जो भी कंट्री होगा मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तान का लिखूँगा। उसके बाद नीचे आप देख लीजिएगा नीचे जो ऑप्शन नीचे आ रहा है सर्विस एडसन जो इस पर पहला ऑप्शन होगा सर्विस एडसन, हम एडसन के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उस पर पहले वाले पे आप टिक कर देना। उसके बाद अटैच 3 एंड पैराग्राफ 2, उसके बाद 0% रिड्यूस्ड रेट, उसके बाद अपने तीनों ये जो टिक्स है इस पर आपको रीड कर लेना है इसमें क्या लिखा हुआ है पूरा रीड करके आप इसमें क्लिक करेंगे फिर दूसरे में भी टिक करेंगे
दूसरे में भी आर्टिकल एंड पैराग्राफ, नोटरीटी फॉर दिस इनकम टैक्स टाइप। उसके बाद अगला जो है उसमें आपको थर्टी परसेंट डिफॉल्ट रेट, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोनों फॉर्म जो है इसके बाद हम टिक करेंगे। इसके बाद दोबारा जो फॉर्म आपके पास आएगा उसको भी आपने ऐसे ही करना है, आर्टिकल एंड पैराग्राफ वन 0% रिडक्शन रेट के साथ हम इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। ये देखें जो जो पूरा फॉर्म मैंने फिल किया, ये फॉर्म पूरा मेरा प्रिंट करके इन्होंने दे दिया है, तो उसके आप यस करेंगे, कंफर्म अपना उस पर नेक्स्ट कर देना। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप तो इसके नीचे लिखा आएगा कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, तो हम यस पे करेंगे। तो हम खुद ही इसको फिल कर रहे हैं तो हमने इसको यस करना है। उसके बाद इसमें नीचे आपने सिग्नेचर करना है अपना, जो आपके आपका नाम होगा आईडी कार्ड पे वो आपका सिग्नेचर होगा ये इधर। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। एज द इंडिविजुअल आर एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स सेक्शन फॉर्म, इस पर आपको इसमें नो करना है आपको। उस चेक नीचे जो चेक बॉक्स होगा उस पर आपको टिक करना है। उसके नीचे जो है, इसके नीचे जो समझने वाली बात होगी, दो जो है जो उसमें दो ऑप्शन हैं, इसमें आपको ये देखना है अगर आप लोगों को अगर तक अभी जो है आप लोगों ने अभी तक एडसेंस से कोई भी पेमेंट नहीं ली है तो फिर आपको पहले पे क्लिक करना है, और अगर आपने कोई भी पेमेंट पहले से ली हुई है तो फिर आपको इस पर दूसरे वाले पे करना है। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने पेमेंट ली हुई है तो दूसरे पे टिक करना है, और अगर आपने अभी तक कोई पेमेंट नहीं ली तो फिर इस पर पहले वाले पे क्लिक कर देना। सिंपल सा बात है। अब इसको रीड भी कर सकते हैं। तो मेरी अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई तो मैं पहले वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद एक्सेप्ट भी करेंगे। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, ये जितना भी मैंने फिल किया उसको मैं एग्री करूंगा और सबमिट कर दूंगा। ये देखिए आपने भी सेम ऐसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप इस पर दोबारा एक बार देख लें कि अपनी मिस्टेक तो नहीं की। तो ये वो आपको बता रहे कि आपका जो आपके टैक्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो आपको बाय पोस्ट चाहिए या बाय ईमेल चाहिए, तो इसमें मैं इसको विदाउट पोस्ट करूंगा कि ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको मिलेंगे आपने ईमेल पे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें कि वो है ना, ये मेरा फॉर्म जो है पूरा फिल हो के अप्रूव हो चुका है। ये देखिए अप्रूव हो गया, और इसमें अभी ईमेल भी आ जाएगी मेरे ईमेल पे, वो भी आपको दिखाता हूँ कि जो अप्रूवल की ईमेल एडसन की तरफ से आई है। तो ईमेल पे चलता हूँ, तो ईमेल पे ये देखिए ये गूगल गूगल, तो देखिए ईमेल में भी लिखा है कि योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं किसी नेक्स्ट दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए।